मिशन वीक पे हमने ये सीखा जो आज तक हमारे खासकर हिमाचल में जो 70% गांव में रहते लोग वो आज भी उन मूलभूत सुविधा से वंचित है जो शहरों की ओर जाते हैं। तो हमने ये सीखा कि जो शहरों में जो सुविधा है वो हम गांव में लोगों तक जन जन तक पहुँचा सकते हैं, इससे आम लोगों को जागरूक करते जो उन्हें आर्थिक समस्या होती है अपने गाँव से दूर जाने 30-40 किलोमीटर दूर जाके वो सुविधा प्राप्त करने के लिए वो हम उन्हें अपने घर द्वार तक पहुँचाएंगे, जिससे उनके समय की भी बचत होगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसमें अभी तो 20 से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है, फिलहाल हमारे पास अभी मेडिसिन पर फोकस करना है। जो 50-60 रुपये की जो दवाइयाँ मिलती है 5 रुपये पर हम गाँव तक पहुँचा सकती है जो आम लोगों को जरूरतमंद की जो दवाई है और अन्य जो भी है इंटरनेट के माध्यम से या आप बैंकिंग की सुविधा हो चाहे अन्य जो मूलभूत सुविधा है वो हम उनको गांव में ही उपलब्ध कराएंगे। हमारे अंदर नहीं बल्कि ये पूरा हिमाचल अंदर भी शंका थी इस रीप के अंदर, जब इसकी जो शुरुआत हुई काफ़ी चर्चा में रहे तो हमारे 30 तारीख को जब हमारे केंद्र राज्य मंत्री आके इसका शुभारंभ किया उससे काफ़ी लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ कि ये मिशन रीप क्या करना चाहती है और क्या करेगी। जो हमारे अंदर जो शंका थी ये सब कुछ हमारे अंदर शंकाएँ खत्म हो गई यहाँ पर और हम यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं वो आगे जाके हम अपने पंचायत फैसले के माध्यम से या हम खुद जाके लोगों तक ये सुविधा को उपलब्ध कराएंगे और उनको जो समय के मुताबिक उनकी जो सुविधा चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। मेरे विचार से ये है कि ये एक आम लोगों के जनहित की कार्य है, एक जनहित की कार्य है और ये हम उन लोगों तक तो पहुँचेंगे जो मूल सुविधा से वंचित है, गरीब लोगों तक तो पहुँचाएंगे। हमारा ये एक प्रयास रहेगा।